हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है। वोकल मिक्सिंग के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हमने वोकल को थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग किया था, थोड़ा बहुत डिले किया था, और जो भी बाकी काम है आज हम करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात मतलब याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए यार, जब भी आप किसी भी वोकल को मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में ये होता है कि आप उस अगर वोकल को सही से रिकॉर्ड किए हैं, मतलब सही, मतलब उसका गेन गेन वगैरह देख के, या मतलब बहुत ज़्यादा लाउडनेस किए हैं, तो आपको मिक्सिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो उस हिसाब से करिएगा कि मतलब रिकॉर्डिंग थोड़ा सा मतलब लो वॉल्यूम पे करिए, मतलब -6 dB तक। तो ऐसे में ये होगा ना कि आपका जो वोकल है वो क्लीन रहेगा और आपको भी मिक्स करने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली हमने कल कुछ इतना बना लिया था, और जिसमें हम पहुँचे थे, क्या नाम है, सागा फैटनर के ऊपर। तो लगभग वैसे तो पूरा काम काफ़ी सारा हो गया था और कुछ काम बाकी हैं, तो देख लेते हैं इसमें क्या बाकी है। पहले सुन लेते हैं कि इसमें क्या है। उठावा पोला ली बाली कानावा में सोहे कोरे लु सिंहार तू जवानिया के जो हो गए। TDR 9 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये एक होता है ये विड बैंड डायनामिक करके, ये मतलब आपके वोकल पे बहुत सटील काम करेगा। चेक करके देखिएगा कैसा लगेगा ये। उठावा पोला ली बाली कानावा में सोहे, ये मतलब एक अपनी आपके ओकल को जो ना मतलब एक बेहतर शेप दे देता है, और मतलब जो जहाँ भी ओकल लगता है कि ट्रैक से या डाउन हो रहा है या कहीं, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है इसको, मतलब बिड बैंड डायनेमिक जो भी है। तो इसके बाद हम एक ले लेंगे इसमें, अब चाहे तो उसमें से क्या नाम है वो, मतलब जो ओकल्स में होता है, क्या नाम, राइडर, क्या है, राइडर मोनो भी ले सकते हैं और लाइव राइडर स्टेरियो इसको भी ले सकते हैं। देखिए मतलब ग्रुप में जब भी कोई मतलब यूज़ करिएगा तो उसको मतलब कोशिश करिएगा स्टेरियो ही यूज करें, क्योंकि स्टेरियो यूज करने से आपका ये फ़ायदा रहता है कि मतलब जो आपका मोनो साउंड होता है वो स्टेरियो में मतलब कन्वर्जन हो जाता है, और साउंड आपके मतलब जो आपके वोकल है उसमें सराउंडिंग आ जाता है। और देखते हैं कैसा है ये। उठावा पोला ली बाली कानावा में सोहे। और वैसे शायद मास्टर पे हमने तो कुछ लगाया नहीं था, लेकिन देख लेते हैं, शायद हाँ कुछ नहीं लगा है। तो आप इस पे एक लिमिटर ज़रूर लगा के रखिएगा, क्योंकि देखिए यार, लिमिटर ये होता है ना कि आपके वोकल को फ्लिप नहीं होने देता है, मतलब पूरे प्रोजेक्ट को फ्लिप नहीं होने देगा। वोकल तो प्रोजेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे एक सिंपली एक L2 ले लीजिएगा, आपके पास बेब बंडल का है तो बेब का लीजिएगा, या जिसका भी है उसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसका जो मेन काम है ना, केवल ये आपको फ्रिक्वेंसी को लिमिट करके रखेगा। आप इसमें चाहे तो थ्रेशोल्ड वगैरह के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिलहाल मुझे इसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि मुझे मास्टर निकालना है जो इसका मतलब नॉर्मली होता है क्यूबेस का, ये वाला क्या नाम, मास्टरिंग में होता नहीं है स्टेरियो मास्टरिंग, तो मुझे डायरेक्टली इसी से मास्टर निकालना है, तो मैं मास्टर में कुछ ज़्यादा करूँगा नहीं। तो मान लीजिए हमारा इतना प्रोसेसिंग हो गया है, और देख लेते हैं कि इसमें मतलब वोकल में कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है, जिससे हम ग्रुप में मतलब कुछ इफेक्ट लगा के उसको सही कर सकें। उठावा पोला ली बाली कानावा में सोभे करेलु सिंहार तू जवानिया के जो हो गए। और एक चीज़ हमने किया नहीं था इसमें, मतलब लो कट का बैंड नहीं बनाया था। अब दिक्कत यह था ना कि उस समय मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, तो सिंपली आप इसका जो ये होता है फंक्शन, इसको इनेबल कर लीजिएगा और इसको डाउन कर दीजिएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा मतलब कुछ अलग टाइप का था, इसको हटाते हैं, एक क्विक रिसेट लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे लो कट बैंड लगा है, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमको केवल इसका ये सेप चाहिए केवल, बाकी तो हम सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उठावा पोला ली बाली कानावा में सोभे। क्योंकि अगर अभी इसमें बेस आता तो मतलब अच्छा नहीं लगता, और आपको भी पता है कि वोकल में बेस सही नहीं है। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपका स्टूडियो का बेस होता है वो नहीं ज़रूरी है, बाकी आप कोई भी बेस ला सकते हैं, वो आपके ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उठावा पोला ली बाली कानावा में। तो मैं दोनों में सिंपली मतलब कॉपी पेस्ट करके दोनों में अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि देखिए दोनों का वोकल सेम है, सेम पोजीशन पे हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं इसमें।
और आपके केस में हो सकता है कि ये मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, तो ये जो चैनल नंबर 1 1 मतलब है, इसको मतलब इसी से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मेरे सिस्टम में इतना ज़्यादा लोड हो गया ना कि क्रैकल करने लगता है, मतलब कि आवाज़ आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि कट कट करके आवाज़ आ रहा है ना। बाबुनिया रे बाबुनिया रे, जान मार नग के नथुनिया रे बाबुनिया रे। और इतना सब कुछ करने के बाद हम सिंपली अपने ट्रैक को और वोकल के लेवल जो होते हैं इन दोनों को बैलेंस करेंगे, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि जो हमारा मतलब ट्रैक होता है वो वोकल से आपको डाउन रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं कि वोकल का मतलब जो लेवल है कितना जा रहा है। पहले सिंपली मिक्सर ओपन कर लेते हैं। बाबुनिया रे बाबुनिया रे, जान मार नग के नथुनिया रे। तो सिंपली ये मतलब काफ़ी ज़्यादा जा रहा है एक हिसाब से -1 के करीब करीब। इसको थोड़ा सा हम बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा मतलब अगर ये 0 के करीब रहेगा तो मिक्सिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो कोशिश करिएगा इनको बैलेंस बना के रख लीजिएगा। उठावा पलाली बाली कानावा में सोभे करेलु सिंहार तू जवानी। सॉरी हमने ग्रुप को छेड़ा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि ये इसका मिक्सर थोड़ा सा मतलब पूरा चैनल को दिखाता है ना, तो समझ नहीं आता है। तो ये रहा इसका मतलब फर्स्ट वोकल का, इसको देख लेते हैं। उठावा पलाली बाली कानावा में सो, तो अराउंडिंग हमारा -13.8 जा रहा है। और ये दूसरा वोकल देख लेते हैं इसको। बाबुनिया रे बाबुनिया, क्योंकि हम इन दोनों को वोकल जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें कंप्रेस किया था, तो इन दोनों का लेवल लगभग लगभग सेम ही आ रहा है। जैसे 13.8 है तो इससे ये ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, और ये ना 13.4 से ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि कंप्रेसर इसलिए मैंने अप्लाई किया था कि ताकि सारे मतलब जो वोकल हैं उनको लेवल में कर दे। तो सिंपली अब हम ट्रैक का देख लेते हैं बैलेंस की, मतलब ये ट्रैक हमारा कितना तक जा रहा है। तो हमने इसका मतलब कुछ तो इसमें किया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल ही साउंड करेगा। तो जैसे -13 था तो हम इसको पहले -13 रख के देख लेते हैं कि मतलब कितना मतलब सही लग रहा है या कितना ख़राब लग रहा है। आपके भी केस में यही हो सकता है। उठावा पलाली बाली कानावा में सोभे करेलु सिंहार तू जब। पर क्योंकि इसमें डबल ग्रुप वगैरह सब कुछ काम कर रहा है तो इसको -13 करना मतलब सही नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि इसका हाफ करके देखते हैं, माइनस मान लीजिए 6.5 करके देखते हैं। उठावा पलाली बाली कानावा में सोभे करेलु सिंहार तू जवानिया के जो हो गए। तो सिंपली देखिए कि आपका मतलब वोकल भी बैलेंस हो गया है और आपका ट्रैक भी, क्योंकि देखिए ग्रुप जब काम करता है वोकल के साथ या किसी के साथ भी तो ये मतलब दोनों को मर्ज कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि डबल बूस्टिंग साउंड आता है। उठावा पलाली बाली कानावा में सोभे करेलु सिंहार तू जवानिया के जो हो गए। तो सिंपल देख लेते हैं L2 में, मतलब थोड़ा सा इसको मतलब वोकल लेवल को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा और मास्टर को भी, क्योंकि आवाज़ आपको भी पता है कि थोड़ा सा कम हो गया होगा। उठावा पलाली बाली समथिंग -2 आ रहा है ये अराउंड, तो थोड़ा सा इसका जो मतलब गेन है हल्का सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि देखिए मास्टर में ये बैलेंस हो जाएगा तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उठावा पलाली बाली कानावा में सोभे करेलु। और ये जो हमारा पीक दिखा रहा है 4.7 करीब, इससे कम ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें टकराएगा तो ये हो सकता है मास्टर में आपकी दिक्कत करे। उठावा पलाली बाली कानावा में सोभे करेलु सिंहार तू जवानिया के जो हो गए। उठावा पलाली, और इतना करने के बाद सिंपली इसको आप एक्सप्लोर करके रख लीजिएगा और फिर मास्टर में इसको ले जाइएगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि ज़्यादा कुछ अगर नहीं पता है
तो आप एक मिनिमम बैलेंस बना के इसको मास्टर निकालिए। तो सिंपली इसको हम रेंडर कर लेते हैं, और रेंडर करने के पहले आप चेक कर लीजिएगा कि उन दोनों का बैलेंस कितना आ रहा है, क्योंकि बैलेंस आपको देखना ज़रूरी है। और बैलेंस नहीं देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आपका लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाए आपके वोकल का या ट्रैक का, तो दोनों को बैलेंसिंग पहले ज़रूर कर लीजिएगा। और आपके पास L2 अगर बेब का होगा तो भी बेब भी वो भी उसका भी बंडल वाला मतलब बेब का अच्छा काम करता है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मास्टर होता है क्यूबेस के मतलब स्टेरियो वाले, हमको मास्टर उसी से निकालना है। और यहाँ तक आ गए होते यार लाइक मार दो यार, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेट कर दो। तो फाइनली हमारा रेंडर हो गया है और प्रोजेक्ट को हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस दबा के। अब बोलिएगा तो CPR वगैरह दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन बस यही है ना कि वोकल या ट्रैक नहीं दे सकते क्योंकि ये अथॉरिटी स्टूडियो का है, तो अगर हम इसको आपको देते हैं तो वो मतलब सही नहीं है हिसाब से। तो देख लेते हैं पहले यहाँ पे साउंड आ रहा है इसका कि नहीं आ रहा, क्योंकि किसी किसी कंडीशन में होता है ना कि मतलब इसका साउंड नहीं आता है, तो जब नहीं आएगा तो आप साउंड को फिक्स कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें डालते हैं इसको, और जैसा कि आप लेवल देख रहे हैं नॉर्मल वही लेवल दिखा रहा है। और सिंपली F3 अपने कीबोर्ड से प्रेस करिएगा, सीधे आप मास्टर पे सॉरी मतलब चैनल रैक वगैरह पे आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ई पैनल को ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा स्टीरियो इन्हेंसर लगा है, तो इसको अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करिएगा। जैसे कि 124 है तो 118 भी रख सकते हैं, 124 रख सकते हैं, 128 रख सकते हैं, 136 रख सकते हैं, 142 रख सकते हैं, और आप जितना भी ज़्यादा करेंगे उतना ही इसका जो सराउंडिंग होता है मतलब जो डिले होता है आपका, मतलब एक का आप मतलब हेडफोन में या मतलब नॉर्मली तो आप इसको गेस नहीं कर सकते कितना मतलब नैनो सेकंड या मिली सेकंड का गैप देता है, तो वो मतलब उसका लेवल इसमें बढ़ता जाएगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना सही लग रहा है, तो फिलहाल मैं देख लेता हूँ कि मुझे कितना सही लगता है। उठावा पोलाली बाली कानावा में सोभे करेलु सिंगार तू जवानिया के जो हो गए। और BST डायनामिक लगा है तो इसको मतलब चाहिए तो आप इसको लगा के भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मुझे नहीं ज़रूरत है इसका, तो मैं एक मल्टी बैंड ले लूँगा और इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और चाहे तो इसमें आप कोई प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बस कोई मतलब अच्छा सा प्रीसेट यूज़ करिएगा, नहीं तो नॉर्मल ही सही है, क्योंकि अगर आपको भी पता है कि ज़्यादा प्रीसेट लगाएंगे तो प्रीसेट का आदत पड़ जाएगा, क्योंकि कंप्रेस तो उतना या मतलब जो इसका मल्टी बैंड का काम है वो उतना ही काम करेगा, क्योंकि इसमें तीनों चारों बैंड होते हैं, आप इन सबको बैलेंस कर सकते हैं, मिड को और हाइस वगैरह सब कुछ को। और सिंपली आपको लाउडनेस तो थोड़ा सा कम हो गया होगा तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता हमें, और मास्टर में एक मैक्सिमाइजर ज़रूरी है, ठीक है ना, तो मैक्सिमाइजर ज़रूर लगा लीजिएगा। उठावा पोलाली बाली कानावा में सोभे करेलु सिंगार तू जवानिया के जो हो गए। तो वो अपने अपने टेस्ट के ऊपर है, ठीक है ना, आप कैसा मास्टर करते हैं उसे मतलब क्लीन से मतलब होता है आपको कि क्लीन कैसे में और किस तरीके से निकाला जा सकता है। और एक तो होता है कि मैसेज जो मैसेजरी होता है ये, इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे को यही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मतलब क्लीन एक हिसाब से लगता है। और पहले सुन लेते हैं उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो सिंपली मास्टर निकाल सकते हैं आप, आपके ऊपर है कि आपको कितना मतलब मास्टर करना है या जो भी करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इतना बहुत है, क्योंकि बिगनर लेवल में अगर इससे ज़्यादा दिमाग में भी कुछ डाला नहीं जा सकता है, ठीक है, तो पहले नॉर्मल करिए उसके बाद फिर मैसेजरी से बताएंगे कि मतलब मास्टर कैसे निकाला जाएगा जो मेन प्रोजेक्ट से होता है। तो
प्रोजेक्ट पे काम करते रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।